नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। इस सत्र में हम बात करने वाले हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अभिशाप कह लें, गरीबी तो वास्तव में अपने आप में कहते हैं कि एक अभिशाप है, लेकिन गरीबी का स्तर आखिर वास्तव में है क्या और क्या वाकई ये गरीबी है? आम बोलचाल की आप भाषा में कहें कि अगर दो वक्त की रोटी अगर आपको मुहैया हो जा रही है, आप कमा पा रहे हैं, तो आप गरीब नहीं हैं, और जिनके पास अपार धन संपदा है उसके बावजूद भी वो गरीब हैं। थोड़ा सा पेचीदा सा ये मर्म है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। खैर, सोशल साइंस का ये सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बतौर खास लेकर आए हैं हम एनसीईआरटी के इस खास यूट्यूब चैनल पर भी इसकी लाइव कवरेज है और पीएमए विद्या के चैनल नंबर 9 पर भी इसको आप हमें देख सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपके प्रश्न हैं तो आप हमें फ़ोन कर लीजिए। एक फ़ोन नंबर मैं आपको बताता हूँ, आप देखें अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर 8800440559। इसके अलावा आप अपने सुझाव को मेल हमें कर सकते हैं, ऑफिशियल मेल आईडी फॉर क्लास 9 स्टूडेंट विच इज़ dts.class9@cit.nic.in। गरीबी परिचर्चा करने पर चैलेंज की जब हम बात करते हैं तो एक नाम जहन में हमारे पास ज़रूर आता है, वो है श्रीमान शंकर शाह जी का, जो कि शंकर शाह प्रसाद जी का, जो कि हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कोलाबा मुंबई रीजन से जुड़ रहे हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स से हैं। तो खासतौर से आज बहुत सारे प्रश्न मेरे जहन में हैं शाह साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको आपके सामने रखूँ इस सेशन की मदद से। पहले तो एक छोटा सा ब्रीफ हो जाए कि जो अभी मैं बात कर रहा था कि जिस गरीबी की हम बात कर रहे हैं, या तो गरीब है तो वो और भी गरीब होता जा रहा है, या तो जो अमीर है वो और भी अमीर है, या फिर जो अमीर है वो कहीं ना कहीं गरीबी की तरफ है और गरीब जो है वो अमीर की तरफ गया ही नहीं है। क्या है ये मसला अमीर और गरीब का, एक बार इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली ये पॉवर्टी साइकिल है सर। पॉवर्टी साइकिल एक बार अगर ये लागू हो जाता है, एक व्यक्ति गरीब हो जाते हैं तो वो गरीब होते चले जाते हैं, और हमारे देश में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, अमीर और गरीब के बीच में एक खाई है, इसको पाटने की जरूरत है। गरीब है तो गरीब है, अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। सोशल एक्सक्लूजन है, उसका एक कारण पॉवर्टी है, ये सब उनके कारण है सर। चलिए, तो इस मर्म को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए ये सारे कारण हैं तो फिर किसी एक अनूठी पहल का हम इंतज़ार करते हैं। किसी भी देश का देशवासी हो अगर इन सब बातों से दो चार है, समस्याओं से ग्रसित है, यार गरीबी एक समस्या नहीं कही जा सकती, इसको एक अभिशाप के रूप में कह सकते हैं, लेकिन अब हम वहाँ से निकल कर आगे की तरफ आए हैं, तो जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक इनिशिएटेड हैं, अगर उनके बारे में कुछ जानकारी हमें मिल जाए। जी हाँ, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इज ऑल्सो नोन एज सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत व्यक्ति को जो स्पेसिफिक ग्रुप के व्यक्ति होते हैं, जनरली ये सोशल ग्रुप के व्यक्ति होते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है, मदद की जाती है, और उनको मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसको सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम कहा जाता है, NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आई। अच्छा, एक शायद हम अक्सर एक टर्म सुनते हैं योजनाओं के संबंध में, पीएम पोषण स्कीम। ये पीएम पोषण स्कीम क्या है, खासतौर से हम ये गरीबी तबके के लोगों की बात कर रहे हैं, बीपीएल के, क्या जो लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वो इसके बेनिफिशियल लोग हैं, या फिर किन किन लोगों के ऊपर ये लागू होती है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। सर, ये पीएम पोषण स्कीम एक्चुअली इट इज अर्लियर नोन एज मिड डे मील स्कीम इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, प्राइमरी और लोअर प्राइमरी क्लासेस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको दोपहर का लंच फ्री में दिया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों का अटेंडेंस स्कूल में बढ़ाना, उसको एजुकेशन के मुख्य धारा में लाना, और साथ ही साथ टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल अमंग द चिल्ड्रेन। यह है पीएम पोषण स्कीम, जिसको पहले हम मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते थे। अच्छा, बोले कि गरीबी एक एक समस्या है और हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने का कार्य भी करती है। अब ये जो प्रभावित करने का कार्य है, ये नेगेटिव सेंस में समझा जा रहा है या पॉजिटिव सेंस में समझा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम श्रमिक और कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक का भी एक टर्म हम सुनते हैं, तो ये जो गरीबी तबके का लोग है, आखिर ये गरीबी आई कहाँ से? मान लीजिए कि हम सब हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, एक हमारी भी गरीबी और अमीरी का स्तर है,
तो वहाँ पे अगर हम ग्रामीण लोगों को इस पर कसौटी पर कस के देखें तो क्या वो मूलभूत कारण आपको नज़र आते हैं कि जो इनके पीछे ये जो अभिशाप है, ये जो समस्या है वो लगली कि यस वी आर पुअर और हम आगे की जो चीज़ें वो कर नहीं सकते, फिर देश की जो जितनी भी क्रियाकलाप हैं वो कहाँ जाकर स्टैंड करते हैं इन इस गरीबी के समक्ष? जी, ये गरीबी कहाँ से आई, इसके बहुत कारण कॉजेज हैं, बहुत कारण हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारा देश जो है सदियों तक गुलाम रहा और गुलाम के दौरान हमारे देश का सभी तबके सभी आधार पर शोषण हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से, और हमारा देश विश्व में सेकंड पोजीशन है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में, क्योंकि टी आर माल्थस महोदय ने कहा है कि जनसंख्या के तीन स्टेज होते हैं, एक होता है अंडर पॉपुलेशन, एक होता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, एक होता है ओवर पॉपुलेशन। लेकिन हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन नहीं बल्कि पॉपुलेशन एक्सक्लूजन है, हमारे मतलब ये एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक अवस्था में है। और हम जानते हैं कि जनसंख्या का बर्डन बोझ सभी कारणों का जड़ है, तो जनसंख्या अधिक होना, ब्रिटिश सरकार का शोषण होना और उसके बाद बहुत सारे कारण हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे गरीबी के मूल कारण हैं, हमारे देश में गरीब होने के कारण हैं। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस गवर्नमेंट के पॉलिसी को ईमानदारी से लागू नहीं करना और किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी इसका फिक्स नहीं किया गया है कि अगर ये पॉलिसी सक्सेस नहीं होता है हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जो नहीं किया गया जिसके कारण ये गरीबी बढ़ता चला गया। और वैसे ऐसी बात नहीं है गरीबी जितना था देश आज़ाद हुआ था जिस समय और अभी उतना ही है या उससे ज़्यादा है। सरकार ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सो मेनी स्टेप्स, द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिला है। अब वह देखने को मिला ये कि जो 45% गरीबी हमारे देश में था जिस समय 1993-94 में और वो घट करके आज 22% हो गया है, तो गरीबी घट रहा है नहीं घट रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं वो अधूरा प्रयास है, प्रयास में कमी है, उसको पूरा करने से ईमानदारी से लागू करने से गवर्नमेंट के प्रोग्राम को गरीबी दूर हो सकती है। अच्छा, कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति को इसके पीछे कितना जिम्मेदार माना जा सकता है? औद्योगिक क्रांति ने जो आर्थिक असमता है उसको काफ़ी बड़े स्तर पर हमने देखा, गरीब काफ़ी गरीब हुआ और अमीर काफ़ी अमीर होता चला गया, तो जो आर्थिक विषमताएं हैं विश्व को दो पहलू पर इसको बांट के देखा जा सकता है, तो पहले इसको एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि अगर इसको हमने नहीं समझा तो फिर वास्तव में जो परिकल्पना है, एक अवधारणा है गरीबी के कॉन्सेप्ट में, वो थोड़ा सा ज्ञान अधूरा सा रह जाएगा, तो एक बार इसको अच्छा सा हम समझ लेते हैं हमारे कक्षाओं के जितने भी विद्यार्थी हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आया और ये कैपिटलिस्टिक कंट्री में औद्योगिक क्रांति आया, और कैपिटलिस्टिक कंट्री का मेन मोटो ही होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, और इसलिए इसमें औद्योगिक क्रांति तो आया, इसमें कई एम्स लगे हुए हैं, मैन पावर, मशीन, रॉ मटेरियल्स, तो इसमें काफ़ी लोगों का जीवन स्तर सुधरा, नहीं सुधरा ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तरफ लोगों का शोषण भी हुआ, जो कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, वो काम के घंटे तय नहीं कर पाए और अधिक काम लेते रहे मजदूरों का, और जो पुअर इन्वायरमेंट कंडीशंस, काम करने का वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ा गरीबों को, और गरीब और गरीब होते चले गए, क्योंकि एक बार अगर उसका पर कैपिटा इनकम कम होता है जिस व्यक्ति का जो बीपीएल ग्रुप में है तो वो सेविंग कम कर पाते हैं, वह डिमांड भी कम कर पाते हैं क्योंकि उसका परचेजिंग पावर कम हो जाता है, और जैसे वो सेविंग और डिमांड कम करते हैं इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, इन्वेस्टमेंट अगर कम होता है फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज पर तो प्रोडक्शन कम होने लगता है, और प्रोडक्शन जब कम होता है बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारे इंडस्ट्री शट डाउन होने लगते हैं, फिर से बेरोजगारी बढ़ने लगती है और फिर से लोगों के बीच जो पर कैपिटा इनकम है या गरीबों का जो इनकम है वो इनकम कम होने लगता है। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति तो आई लेकिन गरीबों के लिए, जो मजदूरों के लिए जो एक सेफ्टी होना चाहिए, सेफ्टी डिवाइस होना चाहिए, वो इनको लागू नहीं कर पाया, नहीं हो पाया, जिसके कारण इसका बैड इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव गरीबों पर पड़ा। बिल्कुल, कहते हैं कि किसी भी कारक को अगर बड़ी घटना के रूप में देखा जाए तो उसके पीछे यूं ही एक दो रीज़न नहीं होते,
उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है या बहुत अधिक ऐसे कारण होते हैं जब जाकर हम पर्टिकुलरली एक शब्द को हम समझ पाते हैं, क्योंकि हम बात गरीबी की कर रहे हैं, चैलेंज की कर रहे हैं, तो क्या कुछ कारण उसमें हो सकते हैं? जैसे कृषि को अगर हम इसमें लेते हैं, कृषि की जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है या जमींदारी प्रथा है या फिर प्राकृतिक प्रकोप है या प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन नहीं भी एक कारणों को उसमें शुमार किया जा सकता है। चलिए अब जो मौजूदा स्थिति है, 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अब हमारे पास संसाधन बहुत सारे उपलब्ध हैं, तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स खुले हुए हैं, अब यहाँ से आप अपनी आमदनी को और भी बेहतर कर सकते हैं। इसमें 2-2.5 साल का जो समय भी है वो भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, पेंडेमिक के दौरान हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखी। अब इस माहौल को आगामी 5 वर्षों में आप किस तरीके से देखते हैं शायद सर? क्योंकि आप यूक्रेन का एक उदाहरण ले लीजिए, 5 साल के बाद वहाँ पर और भी गरीबी का आलम हो सकता है, फिर वो पूरी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं जाकर डैमेज करेगा। ये प्रश्न मैंने आपसे पिछली क्लास में किया था, अब तीनों को मैं एक साथ समय के जोड़कर देख रहा हूँ, उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट की और किसी स्कीम की बात करेंगे। कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में गरीबों का कमर टूट गया, बहुत सारे गरीबों के जॉब चले गए, जॉब ही नहीं गए बल्कि बहुत सारे बिजनेसमैन के भी बिजनेस शटडाउन हो गया, और जिसके कारण जो APL ग्रुप में थे एवर पॉवर्टी लाइन, वह भी बेचारे APL ग्रुप में आ गए। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से, दिल्ली से जब लॉकडाउन हुआ था, कैजुअल वर्कर जो दूसरे दूसरे स्टेट से वहाँ गए थे, वो बेचारे नंगे पाँव अपने बच्चे और परिवार को लेकर, उनके पास आने का साधन भी नहीं था, हजारों किलोमीटर पैदल चल करके वो आने लगे। तो इस प्रकार से ऐसा जरूर है कि ये कोविड-19 अर्थव्यवस्था के कमर को तोड़ दिया है, लेकिन हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ की सरकार अभी सेंटर में जो है वो स्ट्रांग है, और जो भी इसके एसेंशियल स्टेप्स होनी चाहिए सरकार ले रही है, और उसी के तहत आप देखे होंगे कि अभी सरकार बहुत फुक फुक कर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। अभी न तो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया, न तो जो करीब 15 महीने का जो एरियर ड्यू है DA का, वो भी नहीं दिया गया। तो सरकार इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, ये नहीं कह रहे कि कोई निगेटिव आस्पेक्ट है, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए और इस सिचुएशन से उभरने के लिए सरकार जो अभी पैसे का बचाव कर रही है, और जिसके कारण उसको किसी सही जगह पर इन्वेस्ट करके और इन लोगों की स्थिति को अच्छा कर सके। तो जैसे यूक्रेन का युद्ध है, खैर वो तो 5 साल पीछे चला गया, 10 साल पीछे चला गया, उनका प्रभाव हमारे इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, विश्व इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, वह सही है, लेकिन जहाँ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है वहाँ स्टेबिलिटी होती है, और वो स्टेबिलिटी जो है ये आर्थिक विषमताओं को दूर करने का काम करता है, और जो रेगुलेटरी सिस्टम होती है गवर्नमेंट का, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अगर होती है तो रेगुलेटरी सिस्टम जो होती है, चेक एंड कंट्रोल का जो सिस्टम होता है बैलेंसिंग करने का, वह प्रॉम्प्ट होता है, सही दिशा में चलता है। और अभी मैं समझता हूँ एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस पेंडेमिक पीरियड में भी और इस विषम परिस्थिति में भी सही दिशा में चल रहा है, और आने वाला समय में हम इस पर पॉपअप कर पाएंगे, ये मेरा उम्मीद है। बिल्कुल, आपने गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की बात करी, निश्चित तौर पर यह है कि चलिए विश्व परिदृश्य में जो कुछ भी घट रहा है, लेकिन अगर हम अपने नीति नियम कानून पर बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हम आप उस थ्रेट को ओवरकम करने की स्थिति में हैं। और सरकारी कदम जो उठाए गए हैं और उठाए जाते हैं इस निर्धनता को दूर करने के लिए, तो भारत सरकार ने निर्धनता से निपटने के लिए काफ़ी सारी योजनाएँ भी चलाई हैं। अगर आप अतीत में जाएंगे तो कई पंचवर्षीय योजनाएँ ऐसी हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाएँ हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आवास योजना है। इसी में मिस्टर शाह एक चीज़ और भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका जिक्र मैं समझता हूँ कि यहाँ पर करना लाजमी है, लेकिन जो पुअर लोग हैं या गरीबी तबके से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरीके से वो इस योजना से लाभ उठा रहे हैं, कैसे उनके लिए ये योजना लाभकारी है? सर, ये बहुत ही लोकप्रिय योजना रहा, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी ने ये योजना लाया 2014 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रमोटिंग सेविंग हैबिट्स, और इससे भी मुख्य उद्देश्य ज़्यादा था कि अधिक से अधिक इनकरेज करें लोगों को अकाउंट खुलवाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के, गवर्नमेंट स्कीम्स के, वो बेनिफिट और सब्सिडीज डायरेक्ट अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जाए, बीच में कोई बिचौलिया जो उनसे कमीशन ले लेते थे उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री का ये बहुत ही अच्छा कदम है। और इसमें एक फायदे और हैं, फायदा यह है कि जो भी अकाउंट होल्डर होता है उनका 1 लाख से 2 लाख तक एक्सीडेंटल रिस्क कवर दिया जाता है उनको, और इतना ही नहीं, आप देखिए कितना लोकप्रिय है कि एक साल 2014 में
इसे लागू किया गया और 2014 के एक साल के अंदर ही 17.9 करोड़ अकाउंट खुल गए और 2021 तक में ये 26.54 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं, जिसमें कि 24.61 करोड़ केवल महिलाओं का अकाउंट है। ये विश्व में बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी रहा है, ये स्कीम रहा है, विश्व में भी इसकी चर्चा है और वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी इस स्कीम के तहत काफ़ी लोकप्रिय रहे और ये स्कीम लोकप्रिय रहा होगा जनता के बीच में। बिल्कुल, एक एक कथन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे सहमति जताई या नहीं जताई जाए, इसका एक जस्टिफिकेशन भी मैं चाहता हूँ कि आपसे मिले। अर्बन पॉवर्टी इज अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी टू अ लार्ज एक्सटेंट, इस कथन से सहमति जताई जा सकती है शाह साहब, या फिर इसमें अभी भी कुछ निष्पक्ष कहने की जरूरत है? बहुत हद तक सहमति जताई जा सकती है, क्योंकि ऐसा है कि ग्रामीण एरिया में तो गरीबी है, क्योंकि इलिटरेसी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो गरीबी है, वो शहरों के चकाचौंध से प्रभावित होकर या जॉब के लालच में कि नौकरी मिल जाएगी हमको, शहर में काम मिल जाएगा, वो गांव से पलायन करके शहर की ओर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव के जो अनस्किल्ड वर्कर जाते हैं वह तो मोस्टली इलिटरेट होते हैं और कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण उनको अच्छा जॉब वहाँ शहर में नहीं मिल पाता है और अंत में वह जाकर के वहाँ कैजुअल वर्कर के रूप में ही काम करने लगते हैं। कैजुअल वर्कर के रूप में काम करने से होता यह है कि गांव से कुछ गरीबी की संख्या, गरीबों की संख्या कम तो हो जाती है, लेकिन ये जाके शहरी गरीबों की संख्या को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि स्पाइरल ओवर, इसको बढ़ा देता है, गांव से पलायन होकर के शहरों में जाकर शहरी गरीबी को बढ़ा देता है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने गरीबी के संबंध में कुछ एक आंकड़े जारी किए थे, इसके मुताबिक 2030 तक भारत से गरीबी के कम होने के आसार नज़र आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर इशारा किया है। और यही प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या पॉवर्टी, अब तक जो समय आपने देखा है, गरीबी की अवधारणा तो बहुत ज़्यादा है, जब तक इस पृथ्वी पर जीवन रहेगा ये तो चोली दामन का साथ चलता रहेगा, तो कुछ एक डिक्रीशन आप देख रहे हैं कि यस, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी हुई हैं कि जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी अब थोड़ा सा कम हो रहा है और हम आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, ये गवर्नमेंट ने कई बार अनाउंस किया कि जैसे 12-5 ईयर प्लान में ये कहा गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में, कि 2020 तक आते आते गरीबी हमारे पर हम कंट्रोल कर लेंगे, फिर आगे 2025 तक आते आते हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन चलिए वो नहीं सक्सेस हो पाए हम लोग, अभी 2030 रखा गया है। लेकिन सरकार के सरकारी योजनाओं का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। सिंह साहब, आप देखिए 1994 में जो 45% गरीबी हमारे देश में थी, वह आज घटकर 2011-12 में इसकी 22% संख्या हो गई है और अभी तत्काल ये 20.9% के लगभग गरीबी है। कहाँ 45%, कहाँ 22 या 20.9%, इसका मतलब 50% तो गरीबी दूर हो चुका है। ये गरीबी दूर हो रही है, लेकिन इसका जो रफ्तार होना चाहिए वो वास्तव में संकोचजनक नहीं है, रफ्तार और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद होने से बहुत लंबा समय हो गया है, अभी तक में गरीबी दूर हो जानी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जुड़े जितने भी लोग हैं, सरकार शाह साहब कुछ एक नीतियों का गठन करती है यह पता करने के लिए कि जो हमारे देश की आबादी है उनमें से कितने प्रतिशत हिस्सा वो गरीबी रेखा से नीचे आता है? उसमें 1979 में अलग समिति आई, 1993 में लकड़वाला समिति आई और तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में हुआ और 2012 में रंगराजन समिति भी काफ़ी चर्चा में रही। आखिरकार इन समितियों को गठित करने का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ यह पता करना कि इतनी प्रतिशत की जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे है तो इनके लिए यह का कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, या फिर ये समितियाँ गठित करने का कोई अलग रूप है? नहीं, समिति, आपने सही कहा सर, समिति गठन करने का उद्देश्य यही है, स्टडी ग्रुप या टास्क फोर्स या समिति, जो कमिटी कमीशन बनाया जाता है, उनका उद्देश्य है स्टडी करना। एक्सपर्ट ग्रुप उसमें रहते हैं, वो स्टडी करते हैं कि देश के अंदर गरीबी क्या कितने हैं और किन किन एरिया में है, सोशल ग्रुप में कितने हैं, इकोनॉमिक ग्रुप में कितने हैं गरीबी हैं और ये गरीबी के मूल कारण क्या है, वास्तव में इस गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है, वो इन पर काफ़ी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद सरकार को एक सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं आंकड़ा के साथ, एक प्राइमरी डेटा होता है और प्राइमरी डेटा के साथ सरकार के सामने वो रखते हैं, जो ओरिजिनल डेटा के रूप में होता है वो सरकार के सामने रखते हैं कि भाई गरीबी इतना परसेंट है, गरीबी का ट्रेंड्स ये है, ये गरीबी बढ़ रही है, घट रही है, ये दिखाते हैं, ये ट्रेंड्स ये है, शेड्यूल कास्ट में इतने हैं, शेड्यूल ट्राइब में इतने हैं, या ये जो
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतने हैं, कैजुअल वर्कर में गरीबी इतना है, आखिर में ये गरीबी दूर कैसे हो, कौन कौन से सुटेबल स्टेप्स हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसी लाया जा सकता है, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट का होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा या स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा, इन सब चीज़ों को वो सुझाव देते हैं और उस सुझाव पर सरकार काम करती है और गरीबी को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। हाँ बिल्कुल, नीति आयोग की भूमिका को भी मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि 2017 में नीति आयोग ने एक कमेटी गठित की थी जहाँ पर एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया था कि 2032 तक हम ऐसे कार्य करेंगे कि जहाँ पर जाकर ऐसे सुधार कार्यक्रम होंगे कि गरीबी को दूर किया जा सकता है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी कि आयोग ने गरीबी दूर करने के लिए दो क्षेत्रों पर ध्यान देने का सुझाव दिया था। पहली योजना जो थी, और पहली थी योजनाएँ जो स्कीम सरकार बनाती है ऑफकोर्स, और दूसरा था MSME और कृषि। तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें कि कृषि से जुड़ा एक बहुत बड़ा तबका है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था, और कृषि के सहारे उनकी आजीविका चलती है और देश के अन्नदाता वो कहे जाते हैं, तो MSME और कृषि को आप किस तरीके से एक साथ जोड़कर देख रहे हैं? यस, गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सारा काम किया है और काफ़ी चीज़ें तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे खुल गए कि किसानों को बहुत ज़्यादा आपत्ति होती नहीं है, तो फिर भी आप सोचते हैं कि इन सब कार्यों के करने के बावजूद भी, इतनी नीति आयोग बनाने के बावजूद भी और विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने के बावजूद भी अभी कुछ कमी कसर रह गई है कि जहां तक हम नहीं पहुंच पाए अभी काम करने की जरूरत है? जी, महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। ऑफ कोर्स, तो एग्रीकल्चर और MSME के बारे में जो आपने कहा कि MSME जो है माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री, ये रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करता है? एग्रीकल्चर से प्राप्त करता है। बेसिकली ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होता है, इंटरप्राइजेज होते हैं, इसलिए दोनों के बीच में कोरिलेशन तो है। जब एग्रीकल्चर को हम प्रमोट करेंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होगा, चीप रेट पर रॉ मटेरियल MSME को मिलेगा, तो वो वास्तव में उनके जो प्रोडक्ट होंगे वह थोड़ा चीप होंगे, जिसके कारण वो कंपीट कर पाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ या विदेशी सामानों के साथ। आजकल कंप्यूटराइज युग आ गया है, मशीनी युग आ गया है, जो डेवलप कंट्री हैं वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भेजते हैं जिनका कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम पड़ता है, इसलिए वो सस्ता मुहैया। जैसे चाइना का हम एग्जाम्पल लेते हैं, चाइना जो भी मोबाइल वगैरह सब, ये जो भी आप देखते हैं चाइनीज आइटम, खिलौना वगैरह सब जो आता है, वो काफ़ी चीप रेट का होता है, और वो चीप रेट में MSME को कम्पीट करने के लिए उनको एग्रीकल्चर को प्रमोट सरकार को करना ही पड़ेगा, और सरकार एग्रीकल्चर प्रमोट होगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, रॉ मटेरियल चीप होगा, MSME को सपोर्ट मिलेगा, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में उनके सामने ये आएगा, और MSME के लिए ये एग्रीकल्चर के साथ को रिलेट करना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा वो सही है। निश्चित तौर पर कहते हैं कि किसी भी देश में व्याप्त गरीबी वहाँ के समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर गरीबी लंबे समय तक व्याप्त रही तो फिर हर तबका जो समाज से जुड़ा हुआ है वो विकास की दौड़ से बहुत पीछे छूट जाएगा या फिर छूटा हुआ है, ये कड़वी सच्चाई है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 2022 में हमारी सरकार कितनी सजग है, इस बात को तो कहने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली बहुत सारे काम अलग अलग स्तर पर किए गए। शाह साहब, फिर भी आप उसको आंचलिकता के दौर में कैसे देखते हैं, क्योंकि ग्रामीण समाज जो है वो सीधा सीधा इसका जाकर संबंध वहाँ पर जुड़ता है, तो ऐसे कौन से एक दो क्षेत्र हैं जहाँ पर अच्छी तरीके से कार्य हो तो फिर इस गरीबी को और भी उन्मूलन की जो रफ्तार है उसको तेज किया जाए और भारत बेहतरी की तरफ जाए? गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने अभी 2-3 पॉलिसी जो लाई है, ये नई सरकार आप देखे होंगे, न्यू एग्रीकल्चर लॉ जो लाया था सरकार ने, वो ठीक है उनको वापस लेना पड़ा, लेकिन समय आएगा कि उनको फिर से सरकार को या जनता को उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि इससे जो छोटे किसान को बहुत फायदे थे। बड़े किसान को देखिए, ऐसा होता है कि जब छोटे किसान को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको सहायता करना चाहते हैं, तो बड़े किसान के इनकम कुछ कम होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़े किसान अपने प्रभाव के कारण इनको नहीं चलने दिया, तो सरकार ये करेगी। दूसरी बात है कि देखिए, हेल्थ केयर पॉलिसीज सरकार ने अभी 1 रुपये में मतलब कि एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस कवर करने वाली स्कीम ला दिया है, अटल पेंशन योजना ला दिए हैं गरीबों के लिए, तो इस प्रकार से ये सरकार जो है काफ़ी गरीबों के लिए काम कर रही है, सजग है, और कम इन्वेस्टमेंट पर गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे हो, इसके लिए सरकार सोच रही है और आगे भी सोचती रहेगी, ऐसा हमको उम्मीद है। निश्चित तौर पर, तो कहते हैं कि जहाँ पर चाह है वहाँ राह है, और उम्मीदों से आसमान डगा है, और इन सब चीज़ों की आगे जो एक चीज़ होती है वो है आपके एफर्ट्स, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी अप्रोच, कैसा आप सोचते हैं।
क्योंकि जैसा आप सोचेंगे निश्चित रूप से आपके क्रियाकलापों में वही चीज़ जाकर झलकती है। तो मैं तो कहता हूँ कि अब हम ऑलरेडी बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं, बिल्कुल विकास की जो लहर है वो आगे की तरफ जा रही है और उसी गंगा में हम सबको हाथ धोते हुए नजर आना है। तो अब जो गरीबी जैसी जो चीज़ है, आई थिंक उतनी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो एक भ्रामक सी चीज़ होती ना कि आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो जाए कि यस हम गरीब हैं। गरीबी की परिभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन उन सबसे बहुत आगे हमारा समाज निकल चुका है, हम निकल चुके हैं और ऑफकोर्स हमारा देश भी निकल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतने अच्छे अच्छे इश्यूज़ आपने दर्शकों के सामने रखे, विद्यार्थियों के सामने रखे, उनकी समझ को विकसित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे है वेबिनार, एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल्स के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।